हेलो एवरीवन. सो सर कुछ मेरी क्वेरीज है एक्चुअली सर से. सो आई थॉट कि हम लोग सर से वन टू वन सवाल करें. कुछ सम क्वेरीज इज रिलेटेड विद, ऑफ कोर्स अगर आप मेरा शक्ल देख रहे हैं तो मैं इंग्लिश से रिलेटेड होगी नहीं, रीजनिंग से ही रिलेटेड क्वेरीज है मेरी और समथिंग एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर बुक दैट इज द पर्सनल सेटिंग अरेंजमेंट बुक. मैंने तो इस बुक का एक असेसमेंट किया है बट फिर भी मेरे दिमाग में कुछ सवाल हैं. तो मैं चाहती हूँ क्यों ना उसी पर्सन से पूछा जाए, द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल, जिसकी टीम रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्रिएटिंग द पर्टिकुलर बुक. ओके, सो सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, जैसे कि SBI अभी हाल ही का हमारा नोटिफिकेशन SBI, आप PO की बात करो, क्लब की बात करो, प्री की बात करो, मेंस की बात करो, SBI हमेशा एक ट्रेंड सेटर बन के निकलता है. आउट ऑफ बॉक्स जैसी चीजें लेके आता है, इसी ने वर्ड इनोवेट करवा दिया था आउट ऑफ बॉक्स. और इसी के साथ हम लोगों ने एक लाइन स्टार्ट की थी, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड. ये हम लोगों ने SBI के बिहाफ पे कोटेशन बनाया था स्पेशली फॉर रीजनिंग, है ना. तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं रीजनिंग में, क्या चेंजेस SBI के ग्राउंड पे आप सोच सकते हो. मैम जैसा कि हमने हमेशा से देखा है कि SBI एक ट्रेंड सेटर रहा है. अगर हम देखें कि पास्ट की बात करें, 2017 की बात करें, तो उसमें जो है इन्होंने IPS ने इसने मिलके जो है फिगर बेस पजल लेके आए थे, डायरेक्शन बेस पजल एक अलग से आ गया था हमारा. उससे प्रीवियस में इन्होंने शायद बैकएंड सेटिंग अरेंजमेंट वाला लेके आया था. फिर बाद में इन्होंने एक अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्संस वाला जो है इन्होंने एक पजल्स लेके आए. तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये लोग जो है चेंजेस, और कहीं ना कहीं रीजनिंग सेक्शन जो है, मतलब सारे ओवरऑल मिला के रीजनिंग सेक्शन का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा रहता है. और मैम कहीं ना कहीं चीज हम देखें कि रीजनिंग में अलग अलग टॉपिक्स भी हैं और सारे, तो हम रीजनिंग में क्या कह सकते हैं कि मैम पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट सेक्शन भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि जो इसका वेटेज काफी ज्यादा है. जैसे कि आपने भी काफी वीडियोस में बच्चों को बताती हैं कि हाँ पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट है जो है इंपॉर्टेंस है और इवन वेटेज है वो काफी ज्यादा है. तो मेरे हिसाब से मैम इस सेक्शन में जैसे अब हमारी टीम है, हमारी कंटेंट टीम है, तो हम जो मॉक प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो अभी 2019 में SBI PO का भी एग्जाम होना है, SBI क्लिनिकल का भी एग्जाम होना है. तो हमारी टीम जो है मैम पूरी एक तीन चार लोगों की अलग से टीम है जो कि पूरी R&D कर रही है कि बैठ के कि हाँ भाई क्या चेंजेस हो सकते हैं. कुछ अलग टीम है जो कि अलग PYQ बेसिस पे काम कर रही है, फिर कुछ अलग टीम है जो कि जो है अभी के प्रेजेंट मॉक्स बना रही है. वो लोग मतलब कंप्लीट एनालिसिस करके कि हाँ क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या पैटर्न में आ सकते हैं चेंजेस, और क्या पिछले साल कुछ चेंजेस रहे हैं पास्ट में, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है उस तरीके से वो लोग जो है मॉक बना. तो मतलब इन शॉर्ट अगर मैं समराइज या कंक्लूड करना चाहूँ तो आप ये कहना चाहते हैं कि रीजनिंग पर्टिकुलर सेक्शन में आप लोगों ने पूरा R&D करके रखा है प्रीवियस ईयर पेपर डिफरेंट एनालिसिस के जरिए कि क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो आप. हमारा नाम ही एडा 247 है, हम 247 ही अवेलेबल है बच्चों के. दैट्स अ गुड पॉइंट. सो द थीम इज दिस. तो फिर कंक्लूजन क्या है सर? आई थिंक आप इसी कंक्लूजन पे पहुंचे होंगे जो हम लोग कहते हैं सेटिंग एंड पजल. बिल्कुल बिल्कुल, यही सबसे ज्यादा बाउंसर होने वाला है अगेन. बिल्कुल बिल्कुल मैम. तो जो जैसे 2018 की या 2019 की बात हम कर रहे हैं मैम, तो उसी के बेसिस पे हमेशा जैसा SBI ने मैम ने स्टार्टिंग में बताया, मैम ने अपने वीडियोस में भी काफी अच्छे अच्छे पजल जो है मैम ने काफी सॉल्व किया है. मैम का एक बैच भी है जो कि जो है मैम बेसिक टू सिंपल टू कॉम्प्लिकेटेड. एंड मैंने एज फार एज आई रिमेंबर, मुझे इस बुक के कुछ सवाल इतने ऑसम इन द सेंस ना, इंक्लूड किया है और उसको डिटेल में सिंप्लीफाई करा. और बच्चों का सवाल यही था सर कि ये सवाल कहाँ से लेकर आए हो आप. एंड द थिंग एट दैट मोमेंट मैं कहना तो यही चाह रही थी कि बनाया मैंने है, लेकिन मैंने कहा क्यों मैं ये क्रेडिट उसके बाद जो है हमने कॉन्सेप्ट्स भी दिए हैं बुक्स के. और इंडेक्स की बात करें मैम, इंडेक्स में क्या है, हमने पूरा कॉन्सेप्ट जो है जितने भी चैप्टर जो है पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट के हो सकते हैं हमने वो रखा है. उसके बाद जो है हमने 10 प्रैक्टिस सेट्स दिए हैं जो कि पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड हैं. फिर उसके बाद मैम जैसे कि चेंज पैटर्न जिस टॉपिक्स में हुए थे 2018 की बात करें, 2017 की बात करें, उन चेंज पैटर्न आप इस पैटर्न पे आइए ना, मुझे पैटर्न ए ही
कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं तो मैं मुझे कितना कन्विंसिंग लग रहा है कंपैरिजन बेस्ड फिगर बेस्ड पजल। अब कई लोग इसको भी न्यू पैटर्न में काउंट करते हैं और आप लोगों ने इसको पहले से कॉन्सेप्ट में, क्योंकि इसमें अगर मैं बात करूँ इस पर क्वेश्चन सोल्व करने से पहले बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो हमने जो है इसमें क्या किया, अगर बात करें हम एक इस पे लास्ट में मैं आऊंगा एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वन क्या है। अगर मैं बात करूँ, अगर आप देखेंगे जैसे स्टार्ट है चैप्टर का, तो यहाँ पे कंप्लीट कॉन्सेप्ट इसमें जो है क्लियर है। मतलब एग्जांपल फिगर बाय स्टेप बाय बना के जो कि क्या एक हो सकता है स्टेप बाय बना के हमने मतलब इसमें एग्जांपल दे के जो है कंप्लीट समझाया कि कॉन्सेप्ट जो है, मतलब चाहे स्क्रैच से बच्चा जो है तैयारी कर रहा हो तो उसे बिल्कुल आराम से समझ में आएगा कि सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट वगैरह क्या है। और आप देखेंगे मैम तो जो हमने सॉल्यूशन वगैरह भी जो इसमें काफी डिटेल से समझाया हुआ है। अच्छा, सॉल्यूशन भी मतलब सिर्फ आंसर नहीं है, इट्स ऑल अबाउट केसेस, इट्स कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन। आप देख सकते हैं यहां पे पूरे केसेस मेंशन किए गए हैं, केस 1 केस 2 एंड केस 3 भी पूरी डिटेलिंग दी गई है। ओके, वी हैव कवर्ड ऑल द केसेस, जितने सारे केसेस बन सकते थे हमने डिटेल कंप्लीट डायग्राम वगैरह बना के और से जितने सारे केसेस हो सकते हैं हमने सारे कुछ इसमें लिखा है। तो इसमें हमने जो है सारे प्रीवियस ईयर के, इवन आप देखेंगे मैम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी बच्चों को चाहिए होता है तो हमने इस बुक में सारा कुछ रखा है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी रखा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं, हर ईयर के क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल है, बच्चे वो भी चाहे तो उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद एक प्रीवियस ईयर पेपर पर अपना सेल्फ असेसमेंट भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल मैम, और साथ में उनको जो है प्रैक्टिस सेट्स भी मिले हुए हैं, वो प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चन भी जो है तैयार कर सकते हैं। उसके बाद जो है मैम, उसके बाद जैसे आप ये फिगर बेस्ड प्रीलिम्स की बात करें तो ये फिगर, ये भी हमने रखा है कि फिगर बेस जो नया आया था एसबीआई में, तो इसमें भी हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो है रखे हैं, हाईली इंस्पायर्ड फ्रॉम एसबीआई ओनली। तो उस तरीके से जो है करके अगर मैं अब लास्ट सेक्शन की बात करूं जो हमने अनएक्सपेक्टेड वन की बात कर रहे थे, जो मैम ने भी उस सेक्शन की काफी तारीफ की थी अपने वीडियो में, मैम को भी काफी पसंद आया था। तो मैं एक आगे बढ़ने से पहले मैं जो है एक चीज मैं बच्चों को ये बोलना चाहूंगा, जो भी 247 के फॉलोअर हैं, मैम के फॉलोअर हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी बच्चों को ये पता चल सके कि हाँ भाई एक पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट का बुक है जहाँ से हमें अच्छी गाइडलाइंस हमें मिल सकती है, अच्छी तैयारी हमारी हो सकती है। तो मैम जैसे ये पार्ट सी है एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वन, हमने एसबीआई में हमेशा देखा है कि वो कुछ ऐसा लेके आते हैं कि मतलब एग्जाम में बच्चे ना मतलब बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं कि ये क्या है चीज, कैसे सॉल्व करें इसको, कितना टाइम लगेगा हमें। तो हमने इसी चीज को सोचते हुए हमारी टीम ने इस सेक्शन पे काफी आरएनडी की, उसके बाद जो है हमने इस सेक्शन पे जो है काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाए हमने, ताकि जो है मतलब बच्चे जो है अवेयर रह सके, बच्चे जो है यूज टू हो सके कि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ सके। अब जैसा कि ये क्वेश्चन देख रहे हैं, मतलब कैसा भी क्वेश्चन हो मतलब बच्चे आराम से जो है उसमें यूज टू होकर जो है आपने सॉल्व कर सके। तो अगर हम मैं बात करूँ एक अगर मैं बात करूँ एक लूडो टाइप का क्वेश्चन, हम बचपन में लूडो वगैरह खेलते थे, तो इसके ऊपर भी हमने मतलब काफी वेरिएशन रखा है क्वेश्चन में। तो हमने काफी वेरिएशन रखा है। और उसके बाद फिर मैं इसके जो है सॉल्यूशन की बात करूँ, तो सॉल्यूशन में भी देखेंगे मैम, हम इसमें भी हमने जो डिटेल वाइज कंप्लीट समझा रखा है जो बच्चों को जो है इसमें क्या चीजें हो सकती है, मतलब बनाने में उन्हें कोई दिक्कत ना हो, सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो, तो कंप्लीट हमने इस बुक में समझा रखा है। तो मैम ये हमारा एफर्ट्स है। जैसे अगर आप मुझसे, आप लोग कई बार पूछते हो ना कि मैम आप बुक कौन से रेफर करनी चाहिए, क्या रेफर, देखो मैं इसको, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, अड्डा के पब्लिकेशंस में आज तक बहुत बुक आई होगी, बट इट्स नॉट अबाउट, आई एम पार्ट ऑफ अड्डा 247, सो आई रेफर एवरी बुक। ओके, यू हैव ऑल्सो सीन, आई डोंट रियली गेट इन्वॉल्व इन ऑल दीज थिंग्स। एक्चुअली आई वॉज हाईली इंस्पायर्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाई दिस पर्टिकुलर बुक। सो जब आप किसी चीज को आप खुद पसंद करते हो ना, सो इट्स अ बेसिक इंस्टिंक्ट कि आपका मन करता है कि मैं लोगों को भी बताऊं। अब आप पूछते हो ना आप बुक कैसे जज करते हो, अब ये भी एक सवाल होता है, अच्छी है बुरी है कैसे जज करना है, क्योंकि ये बंदा इतना पढ़ के जज करेगा तो वो घर ही ले जाएगा ना। मेरा सिंपल एक असेसमेंट क्या होता है, मेरे कोई भी बुक खरीदनी होती है, मैं सीधे चली जाती हूँ लास्ट पेज की तरफ। लास्ट पेज में मैं उसको सीधे सीधे देखती हूँ कि आंसर्स क्या दिए हैं, आंसर्स के बिहाफ पे मुझे सारे पैटर्न दिख जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे, मुझे सवाल से क्या मतलब है यार, मुझे सोल्यूशन में देखना है कि यहाँ पे कुछ नया है भी या नहीं है। एंड आई कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे सिटिंग विद नंबर एंड नंबर विद दैट ऑल्सो सम साउथ एंड सम नॉर्थ, मतलब मल्टीपल चैलेंजेस दिए गए हैं। दो बॉक्स, बॉक्स के आपके स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर टेबल ऑलरेडी इन्वॉल्व है, आपके ये रो कॉलम एंड वो भी आप देख सकते हो। एक मतलब इन ईच एंड एवरी पेज, जब भी मैं बुक को, किसी भी बुक को मैं परचेज करना चाहूँ या मैं रेफर करना चाहूँ, आई यूजुअली टारगेट द आंसर पेज।
मुझे सिर्फ आंसर पेज देखना होता है कि भाई इसमें नया मसाला है क्या। तो एक्चुअल में आई वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल दीज, आप खुद देख सकते हो। आई डोंट थिंक कि आपने कहीं पे भी ये सारी चीजें एक्सप्लेनेशंस में पैटर्न में काफी इस पे आरएनडी किए, मतलब मैं कहूं तो एक एक पजल पे उन्होंने पूरा पूरा दिन लगाया है सोचने के लिए कि हाँ कैसा किस टाइप का पजल हो सकता है, एसबीआई किस टाइप का पजल जो एक्सपेक्ट कर सकता है, इसलिए हमने नाम ही इसका दिया एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। एंड इवन मुझे तो कुछ सवाल मैंने कैट के भी एग्जाम दिए हैं, तो मुझे तो इसके कुछ सवाल ना ऐसे कैट लेवल के, कैट में एक्चुअली सेटिंग और पजल का बाइफर्केशन नहीं होता, इट्स कॉल्ड एज अरेंजमेंट, तो मुझे कुछ कैट लेवल के भी अरेंजमेंट दिखे थे। अ नंबर बेस्ड पजल एक थी, वो इतनी इन्फ्लुएंसिंग थी समथिंग, ये कोई एक इधर में नंबर बेस्ड एक पजल थी, वो इतनी अमेजिंग थी कि मतलब लग रहा था कि कैट बेस्ड। कैट में क्या होता है आपको पता है, लॉजिक के साथ मैथमेटिकल इक्वेशन को कंबाइन किया जाता है। एंड आप देख सकते हो आज के डेट में एसबीआई और आईबीपीएस सिर्फ रीजनिंग नहीं, रीजनिंग प्लस कैलकुलेशन कर लिया उसने, कि आपकी कैलकुलेशन स्किल एंड मोर ओवर लॉजिक दोनों का कॉम्बिनेशन लगा दिया उसने। यार ये लोग भी एक सिंपल सी बात है भाई, आपके सामने वाला ज्यादा दिमाग लगा रहा है आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऑब्वियस है, ये तो रूल है वॉर का, ठीक है। सो शॉर्ट में मुझे कहना हो तो मैं बस इतना कह सकती हूँ, आप देख सकते हो एंगुलर बेस्ड मूवमेंट भी आपको यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, सिटिंग पजल्स आपके डायग्राम बेस्ड हैं, आप मोर ओवर स्क्वायर में आठ आठ लोगों का, दस दस लोगों का भी अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, डायरेक्शन के साथ अरेंजमेंट है, लूडो बेस्ड फॉर्मेट दिया गया पहले तो हमने कंप्लीट, इसमें मुझे याद है ये मेरी टीम ने दो लोगों की टीम थी और इसने पूरा दिन लगाया था इस पे, और उसके बाद सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे उस लूडो वाले पजल पे, उसके बाद डिटेल इन्होंने बनाया मुझे दिखाया, मुझे भी काफी पसंद आया, फिर उसके बाद हमने, मैंने जब इस बुक को देखा था मैंने सबसे पहले इसी को अटेम्प्ट किया था, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर फिगर कि ये है क्या। तो सर आप बच्चों के बस शॉर्ट में बता देंगे इसकी प्राइस, बेसिक कंटेंट, कितने सवाल हैं, वो परचेस कहां से करें। तो मैम ये जो है मैं अगर शॉर्ट में बता दूं, इसमें जो 2500 प्लस क्वेश्चंस हैं, और इसमें जो कि क्या क्या था, जो जो कंटेंट्स थे वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, 5 years के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, 10 प्रैक्टिस सेट्स है, न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वंस है ही, कंसेप्ट डिटेल सॉल्यूशन भी हैं, और 2500 प्लस क्वेश्चन है। बच्चों आपको इसको बाय कहाँ से करना है, तो बाय जो है हमारे स्टोर पर आपको विजिट करना है, तो आपको जो है हमारे स्टोर पर विजिट करना है store.agra247.com पे, और इन केस आपको इस रिलेटेड या मैम से कोई क्वेरी पूछनी है, मेरे से कुछ क्वेरी पूछनी है, कुछ भी जानना है आपको, तो मैं आपको एक मेल आईडी प्रोवाइड, तो ये मेल आईडी है बच्चों blogger@agra247.com, ये हमारा मेल आईडी है, आप इस पे जो है जो भी मेल करेंगे, चाहे मैम से क्वेरी है, मेरे से क्वेरी है, आप अपने इस बुक के रिगार्डिंग क्वेरी है, आप इसको आपको इस पे जरूर मेल करें, हम आपकी इस क्वेरी को जरूर रिजॉल्व करेंगे। इसका प्राइस भी हमने काफी रिजनेबल प्राइस रखा है, ये 499 पे जो है हमारे स्टोर पे अवेलेबल है। आप बच्चों को आपको जो store.agra247.com पे आपको विजिट करनी है, और तो ये बच्चों आपको जो है blogger@agra247.com ये हमारी मेल आईडी है, store.agra247.com पे आपको जाना है, वहाँ पे पब्लिकेशन क्लिक करना है, वहाँ से आपको सारी चीज मिल जाएगी, उसके प्राइस पॉइंट जो जैसे 499 है, आप जाएं और इस बुक का जो है इस बुक को अवेल करें। ऑन द सेम नोट मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, क्योंकि बच्चे से कई बार ये भी बोलते हैं मैम हमने बुक खरीदी थी, सिंप्लीफाई किया, मेरा आंसर अलग है, पीछे आंसर अलग है, और जस्टिफाई दोनों हो रहा है, कई बार एरर भी आ जाता है, सेटिंग एंड पजल इज ऐसी चीज है होर एंड में भी एरर हो गया ना तो पूरा अरेंजमेंट स्पॉइल हो जाता है। सो ये मैं जहां तक मैंने देखा है मुझे कहीं पे ऐसा नहीं दिखा कि मेरा आंसर अलग है पीछे आंसर अलग है, अप टू वेयर जहां तक मैंने सिंप्लीफाई किया इट्स एन एरर दिस, एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस, अगर आप जैसे आप जानते हो सिटिंग एंड पजल इज माय मेजर यूएसपी एंड आई लव प्लेइंग विद सच अरेंजमेंट्स, तो आई कैन बहुत सिंपल लैंग्वेज में मुझे कहना, तो मैं बस ये कहूंगी आप अफसोस नहीं फील करेंगे, दैट्स इट, सिंपल चीज में मुझे कहना है, तो बस इतना कहूंगी आप बिल्कुल सिंगल पेनी रिग्रेट नहीं फील करोगे इसको परचेज करने के बाद। सर तो फिर लास्ट में आप कुछ बताना चाहेंगे? मैम तो मैं बस बच्चों को यही कहना चाहूंगा एसबीआई क्लिनिकल का एग्जाम है, एसबीआई पीयू का एग्जाम है, और जो है आपके अराउंड द ईयर जो है ढेर सारे एग्जामिनेशन आने वाले हैं आरआरबी के, आईपीएस के, और जो भी मणिपाल के एग्जामिनेशन आएंगे, तो मैं आप सभी को हमारे तरफ से 247 की तरफ से आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, आप जो है तैयारी करें, मेहनत से लगन से पढ़ें, और जो है मैं चाहूंगा कि रीजनिंग सेक्शन आपका इम्पोर्टेंट है काफी, आप उसको स्ट्रॉन्ग करें, तो इस बुक को जो है हमारे स्टोर से ले, जिन्होंने ले रखा है ऑल द बेस्ट, सही अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिया है वो ले रखे ले बुक को, और जितना हो सके वो प्रैक्टिस करें,
और आकांक्षा मैम की वीडियो है, आप जरूर इसको लाइक करें और जितना हो सके आप उसको शेयर करें। एंड इसका सोल्यूशन भी चाहिए तो इसके काफी सवाल मेरे सिंपल टू कॉम्प्लिकेटेड बैच में इन्वॉल्व भी हैं, आपको वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।